हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो शॉर्ट स्टोरी है वो है द लायन एंड द माउस। द लायन एंड द माउस, शेर और चूहा। शुरू करते हैं। इट वाज समर, क्या था? गर्मी थी। ए लायन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। ए माउस lived near that tree, उसी पेड़ के पास एक चूहा रहता था। It came out of its hole, और चूहा अपने बिल से बाहर आया। He began to jump over the lion, और उसने क्या करना शुरू कर दिया? शेर पर कूदना शुरू कर दिया। The lion woke up, और शेर जाग गया। He काट द माउस, उसने चूहे को पकड़ लिया। द माउस सेड टू द लायन, चूहे ने शेर को कहा, डू नॉट किल मी, मुझे मत मारो। आई शैल हेल्प यू इन ट्रबल, मैं मुसीबत में तुम्हारी मदद करूंगा, चूहे ने शेर को कहा। द लायन लाफ्ड, शेर ने हंसा, मतलब शेर ने हंसना शुरू कर दिया। शेर को बहुत हंसी आई। ही लेट्स द माउस गो, उसने चूहे को जाने दिया। शेर ने चूहे को जाने दिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द लायन वाज कॉट इन ए नेट, कुछ दिनों के बाद शेर एक जाल में फंस गया। ही बिगन टू रोर, और शेर जैसे ही जाल में फंस गया तो उसने जोर जोर से धाड़ना शुरू कर दिया। और रोर का मतलब होता है धाड़ना। द माउस हियर्ड हिज रोर, और जैसे ही शेर ने धाड़ना शुरू कर दिया, चूहे ने उस शेर की धाड़ को सुन लिया। इट केम देयर, और चूहा वहां आ गया। इट कट द रोप्स विद इट्स शार्प टीथ, और चूहे ने क्या किया? जाल की रस्सियों को अपने नुकीले दांतों से काट दिया। द लायन वाज फ्री, और शेर आजाद हो गया। ही थैंक्ड द माउस, और शेर ने चूहे का धन्यवाद किया। मोरल, डू गुड फाइंड गुड, इससे क्या शिक्षा मिलती है? आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छा करोगे आपको भी अच्छा प्राप्त होगा, बुरा करोगे तो आपको भी बुरा प्राप्त होगा। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।